हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर। इस वीडियो में कुछ कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, उन कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगा। देखिए आप जब भी कोई काम शुरू करना चाहते हैं, एक फूड लाइसेंस आप लोग के दिमागों में ऐसा फिट हो गया है वो फूड लाइसेंस कि मुझे लगता है कि उसके बिना तो पूरा हिंदुस्तान में कुछ बिक ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है। सर फूड लाइसेंस आप लोग को तब चाहिए होता है जब आप लोग एक ब्रांड के रूप में मार्केट में आते हैं। अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक सीढ़ी है, एक जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आपको किसी फूड लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि फूड लाइसेंस चाहिए कब होता है, ठीक है। कन्फ्यूज़न आप लोग की दूर होगी और कुछ समझ में आएगा कि आप लोग को फूड लाइसेंस क्या होता है। देखिए जब भी आपको काम स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने दुकान ओपन किया कोई नया, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन द सेंस जो कि आपके दुकान को एक लाइसेंस प्रोवाइड कराता है, जिसमें आप कोई चीज़ रेडीमेड मार्केट से बना बनाया खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं। जैसे कि हॉर्लिक्स का डब्बा उठाया आपने, कॉम्प्लैन उठाया, ऐसे दवाइयाँ उठाई और बहुत सारी चीज़ें, जैसे नेचर फ्रेश और जितनी भी ब्रांडेड कंपनी होती हैं या फिर अनब्रांडेड कंपनी थी जो अपना नाम लेके मार्केट में बेचती हैं, उनसे आप खरीदोगे और आगे बेच दोगे, आपकी कोई लेबलिंग नहीं होगी उस पर, उसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। 100 रुपये का आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है, वहाँ से मिल जाता है आपको। दूसरे नंबर का जो आता है हमारा सेकेंडरी जो होता है, वो होता है आपका स्टेट लाइसेंस, जिसके अंदर आपका ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों होता है। बहुत शॉर्ट में समझा रहा क्योंकि इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने डाल रखी है, आई बटन पर डालूंगा, आप देखना उसको। तो जो दूसरा वाला होता है उसमें आपको 2500 रुपये का उसका फ़ी होता है, लगभग आपको CA वगैरह लेके 4-5 हज़ार रुपये में वो आपका अप्लाई हो जाता है और मिल जाता है आपको। उसके लिए आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो तो पहले आपको प्लांट अपने वहाँ बिठाना होता है, वहाँ पे फूड लाइसेंस जो भी अप्लाई करते हैं आप, तो जो आपको प्रोवाइड कराते हैं वहाँ से एक इंस्पेक्टर आएगा, पूरा लाइसेंस के एक जो कॉपी होती है उसको अपने हाथ में पकड़ के लाएंगे, जो कि आपको जमा करना होता है। वो कॉपी क्या होती है वो सब मैंने बता रखा है आपको। एक मैप बनाना होता है जो कि जितनी मशीनें होती हैं वो मशीन आप कहाँ कहाँ लगाओगे, वो मैप को वो चेक करेंगे आके कि सही है कि नहीं है। उसके बाद वेरीफाई होगा आपका, वेरीफाई होने के बाद वो जाकर जैसे ही अपने वहाँ पे अप्लाई करेंगे, एंटर दबाएंगे कि भाई ये अप्रूव्ड हो गया है, अगले दिन आपको फूड लाइसेंस मिल जाता है। थर्ड नंबर पे आता है स्टेट लेवल से ऊपर पूरा कंट्री लेवल पे, मतलब आपका पूरा का पूरा देश में आप बेच सकते हैं, बना सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ। 7500 उसका फीस होता है। ये सारा डिटेल मैंने बता रखा है। ये चीज़ें आपको तब चाहिए जब आप एक मार्केट में ब्रांड का रूप लेके आ रहे हो, आप अपने नाम की ब्रांडिंग कर रहे हो, इससे पहले आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आटा चावल गेहूं ये सब खरीदते हो आप, जाके क्या फूड लाइसेंस चिपका के देते हैं, वो आपको ऐसे मिल जाता है, बिल्कुल इजी प्रोसेस होता है। आपको मार्केट में जाना है ऐसे बिल्कुल सादे पिन्नी को पैक करके कि भाई क्या हो रहा है, जो लोग लूज में ले रहे हैं उसको हम पैक करके देंगे। मदर चॉइस ख्वाहिश अलग अलग जो मैं आपको दिला रहा हूँ उस पर कोई फूड लाइसेंस वगैरह नहीं होता है। जैसे समझ लो आप नॉर्मल रैपर में पैक कर रहे हो, वैसे आप एक ब्रांड के रूप में लेके जाओगे, बस ये होता है दोनों में फ़र्क, तीनों में फ़र्क आप समझ लो, अच्छे तरीके से समझ लो। कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को रिप्लाई नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ लोगों की इंक्वायरी से ज़्यादा कमेंट ये आ रहा है कि सर जवाब नहीं, जवाब नहीं, जवाब नहीं, रिप्लाई नहीं, रिप्लाई नहीं, रिप्लाई नहीं। सर रिप्लाई हम लोग सबको दे रहे हैं, लेकिन इतने लार्ज स्केल पे मैसेज आते हैं ना, थोड़ा सा पेशेंस दिखा दिया करो आप लोग। एक हफ्ते 10 दिन क्या दिक्कत है, इतने दिनों से आप लोग सोच रहे हो, आप काम स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम दे दो हम लोग। आप लोग आके कमेंट करोगे मुझे बड़ा बुरा फील होता है, सर थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ आप लोग, मैसेज करके छोड़ दो, सबको रिप्लाई जाता है। जिनको रिप्लाई मिल रहा है वो भी कमेंट कर दिया करें आके कि सर हमें तो कम रिप्लाई मिल गया। आप लोग तो करते नहीं हो, रिप्लाई मिल जाता है आराम से, सामान भी आप लोगों को भेजा जा रहा है। कल वाले वीडियो मैंने आपको दिखाया पूरा स्टॉक, वो सामान आप लोगों के लिए भेजा जा रहा है। अब देखिए मैं जो जिस चीज़ पे बात करने आया हूँ उस पे बात करता हूँ। ज़िंदगी में दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे, एक वो जिनको शॉर्टकट चाहिए, एक वो जो रास्ते खुद बनाते हैं। शॉर्टकट वाले वो लोग होते हैं जिन्हें जो बनना है, क्योंकि हर किसी का कोई ख्वाब होता है, किसी को एक्टर बनना, किसी को कुछ बनना, किसी को कुछ बनना। जिनको वो बनना है वो पहले ही अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं बन चुका हूँ। ईगो उनका वो होता है कि वो छोटे काम अगर कुछ उनको करवाया जाता है तो उनको लगता है कि यार ये तो काम मेरे लिए बना नहीं है। आप खुद कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं बन सकते। अगर आपको कुछ डाउट है ना, आके मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिखा लो, साइन करके मैं दे दूंगा। अगर आप कुछ बन जाना, मैं जो बना हुआ हूँ वो ख़त्म कर दूंगा अपना, जो आप बोलोगे आपकी गुलामी ज़िंदगी भर करूँगा। क्योंकि ये जो आप लोगों का ईगो है, ये कुछ भी आप काम करने जाओगे, क्योंकि किसी कहीं तक पहुँचने के लिए आपको रास्ता तय करना होता है। उस रास्ते के बीच में आपको ऐसे ऐसे मरहले आएंगे जहाँ पे आपको हाथ भी फैलाना होगा, उस हाथ को ना फैलाना हो, इस वजह से छोटे छोटे बिजनेस बताता हूँ। इन बिजनेस को करोगे ना जब आप पैसा आएगा आपके, क्योंकि कहीं भी पहुँचने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होगी, बिना पैसों के आप ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुँच सकते। अगर आप 1000 किलोमीटर अपने घर से दूर हैं, अपने घर नहीं पहुँच सकते, आपको वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए ट्रेन का किराया, बस का किराया चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा, हाथ फैलाओगे, बोलोगे सर मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा दे दो आप। ये हाथ ना फैलाना हो, इस वजह से छोटे छोटे बिजनेस आइडिया बताता हूँ। अपने ईगो को अपने घर पर रखिए और ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए आगे बढ़ जाइए। कैसे बढ़ना है, अपने ख्वाब को अपनी प्रायोरिटी रखिए कि भाई मुझे वहाँ पहुँचना है, उस वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे जो जो करना होगा मैं करूँगा, मुझे जो बेचना होगा बेचूँगा, क्योंकि मेरा मंजिल नहीं है,
मेरी मंजिल कुछ और है जो मेरा इंतजार कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में फिट करना होगा। जो बनना है अगर आप पहले बन गए तो समझ लीजिए कि उस मंजिल तक आप कभी ज़िंदगी में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपका जो ईगो होगा, जो सेल्फ रेस्पेक्ट होगा, वो बार बार आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा कि तू तो ये है, तू इतना बड़ा आदमी है तो ये छोटा काम कैसे कर रहा है। जिस आदमी को ये छोटा और बड़ा काम समझ में आ गया ना, वो इंसान बड़ा हो सकता है अगर उसने कुछ ज़िंदगी में अचीव भी कर लिया, अगर उसने मेहनत करके जैसे भी जो भी करने किसी के चमचागिरी करके जो भी करके अगर उसने वो पा भी लिया, तो वो अपने ज़मीर से पूछेगा कि क्या वाकई उसने उस चीज़ को अचीव किया है, वो खुशी उसको मिल रही है जो खुशी वो रगड़ के घिसट के वहाँ तक पहुँच के मिलती है उसको, नहीं मिल सकती। क्योंकि एक शॉर्टकट और एक जो ऑन द वे होता है बिल्कुल अब तरीके से पहुँचते हैं, उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। एक नकल मार के 10th पास कर लेना, एक 8-8 घंटे पढ़ के पास करना, दोनों में फ़र्क उन दोनों को सामने खड़ा करके पूछिएगा, आपको पता चल जाएगा। एक उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, एक दूसरे वाले का सेंस ऑफ ह्यूमर। सिर्फ डिग्री ले लेने से हाथ में कुछ नहीं होता। मैंने 3 साल जिस एंट्रेंस दिया था जिस कॉलेज में आने के लिए, मैंने उसकी डिग्री तक नहीं ली क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। ज़िंदगी में सिर्फ नॉलेज चाहिए, जहाँ से सीखने को मिल रहा है सीख लीजिए, खींच लीजिए, क्योंकि जिस दिन सीखना बंद उस दिन आपका जीना बंद। सीखते रहिए ज़िंदगी भर। वीडियो बहुत लंबी होगी, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, क्योंकि 2-4 लोग जो देखते हैं, जो फ़ायदा उठाते हैं, मैं उस लिए काम करता हूँ। अब आइए बात करते हैं कि क्या करना है आपको। आपको जो भी करना है नीयत को एकदम दुरुस्त कर लीजिए अपने, क्योंकि सारा दारोमदार आपकी नीयत पे। जैसी नीयत होगी वैसी बरकत होगी। लोग आप चलाकी करते हैं, मेरे पास आते हैं, अरे पेपर वाले का नंबर ले लेंगे, मसाले वाले का नंबर ले लेंगे और शॉर्टकट से कहीं और निकल लेंगे। आपको जहाँ जाना है जाइए। वैसे भी मेरे पास जो आता है मैं सिर्फ उन्हीं को मशीनें देता हूँ, फ़ोन पे ऑर्डर देने पे मैं किसी का ऑर्डर लेता भी नहीं हूँ। आपको जहाँ जाना है जाइए, लेकिन एक चीज़ अपने दिमाग में फिट रखिए, जो चलाकी आपने मेरे साथ किया आप ज़िंदगी में हर जगह करेंगे, और जहाँ करेंगे वहाँ धोखा खाएंगे, आप कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि इंसान ऊपर बढ़ता है अपनी नीयत की वजह से। जब वो सोचता है कि आसपास में जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं सबका फ़ायदा होगा तो मेरा फ़ायदा होगा, सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में आप सोचोगे, एक एक करके सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे, अकेले में वहीं खड़े पाओगे अपने आप को जहाँ से शुरू किया था आपने। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वहाँ अपने आप को पाऊँ जहाँ पे हज़ारों लोग पीछे आपसे जुड़े हुए, आपके ज़रिए से उनका घर चल रहा हो, तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि हर किसी का फ़ायदा हो। सिर्फ अपने बारे में सोचना अगर आपको है तो वो बहुत भारी पड़ेगा आपको आगे जाके। अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद आप रियलाइज़ करोगे कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। वो गलती हर कोई करता है, क्योंकि जब पैसा थोड़ा सा आता है आदमी की नीयत में खोट हो जाती है, उसे लगता है कि ये सारा मेरा है। तो ये काम आप लोगों को नहीं करना है। मार्केट में जाना है, पैसा जितना भी आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आपका लड़का है जो माल लेके पहुंचाता है, दुकानदार है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके थ्रू भी आप जा रहे हो, 1 रुपये खुद को रखिए, 90 रुपये बांट दीजिए। वो 1-1 रुपये इतना सारा हो जाएगा कि आप रख नहीं पाओगे। कुछ ऐसे मसाले वाले हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, वो 30-30% देते हैं दुकानदारों को प्रॉफिट। दुकानदार उनका माल क्यों नहीं बेचेगा, जो कल तक वैसे पैकिंग मशीन लगा रहे थे, आज के डेट में इंपोर्ट करके बाहर से मशीनें लगा रहे हैं पीसने वाली पैकिंग मशीनें, क्योंकि उन्होंने दुकानदारों को कस्टमरों को भर भर के फ़ायदा पहुंचाया। इंडिया में सिर्फ फ़ायदा। अब मैं एग्जांपल यहां पे देता हूं आपको, कुछ साल पहले क्रेटा और मारुति की ये सब होंडाई की बहुत सारी गाड़ियां बहुत बिकती थी, आज के डेट में किया वालों ने सबकी रेट बना के रख दी। क्यों? क्योंकि जो गाड़ियाँ 18-20 लाख रुपये की आती थी, 8-9 लाख रुपये में सेम वही गाड़ी और एकदम ज़बरदस्त लुक के साथ। इंडिया मार्केट जो हमारा है ना, यहाँ पे सस्ता और अच्छा चाहिए होता है। इस इंडियन मार्केट को आप लोग समझिए। जिस दिन आप लोग इंडियन मार्केट को समझ जाएंगे, पैसा इतना आएगा कि रख नहीं पाएंगे। लिखवा के रख लीजिए मुझसे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अपना जो इंडिया है, यहाँ पे लोगों के पास पैसा कम होते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं, वो चाहते हैं उस रिसोर्सेज में अपने आप को ऐसे फैला दें। वो ऐसे फैलाने के लिए वो लोग ढूंढते हैं कि कौन है ऐसा जिसके पास मैं जाऊं तो मेरा सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ऐसा बन जाइए कि जो आपके पास आए उसका सारा प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर दो मिनटों में। वो बनने के लिए आपको तलाशना पड़ेगा लोगों की प्रॉब्लम है क्या, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको बताता रहा। तो अपने आसपास मार्केट में जाइए, देखिए क्या चीज़ ज़्यादा बिक रहा है और कितने का आ रहा है। ये सब होमवर्क आप लोग पहले किया करिए, उसके बाद जिस चीज़ की ज़रूरत है। मैं बैठा हूँ यहाँ पर, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि एक दिन में आपका काम स्टार्ट होने वाला नहीं है, धीरे 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 स्टार्ट होता है। फूड लाइसेंस भूल जाइए, स्टार्टिंग में आप शुरुआत करिए। गली मोहल्ले जहाँ पे भी आप जाओगे, मेला लगता है क्या, वहाँ पे फूड लाइसेंस वाली चीज़ें बिकती है। हज़ारों ऐसी जगहें हैं, ये इंडिया है। 1,40,00,000 लोगों को दुनिया का कोई भी इंसान मैनेज नहीं कर सकता है। यहाँ पे उतने ही ज़्यादा लोग चाहिए बेचने वाले, जिस क्योंकि खरीदने वाले अरबों में हैं। इन खरीदने वालों को यूज़ करो ना, आप यूज़ करो 10% 20% अपने आसपास के इलाके को, सिर्फ पूरे इलाके
के लोगों को नहीं, सिर्फ 10% लोगों को कवर करो आप। इतना पैसा आएगा कि आप नहीं रख पाओगे। एक एक रुपए भी अगर 1000 लोगों से आप रोज़ कमाते हो तो 1000 रुपये हो जाता है, लेकिन वो 1000 लोग बनाओ तो सही। आप लोग मार्केट में छोटी चीज़ें लेके जाओ तो एक बार में क्यों बड़ी कंपनी से खुद को कंपेयर करने लगते हैं आप लोग की वो तो पहले से ये है वो है, कुछ भी नहीं है। आप लोग छोटी छोटी चीज़ें लेके जाओ जो बड़ी कंपनी सोच भी नहीं सकती कि हम इतना छोटा काम करेंगे। आप करो तो सही, छोटे से बड़े कब बन जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो मिलेंगे फिर ऐसे किसी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।